गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में करेंगे हम लोग मेडिसिन एग्जाम 2024 का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो मेडिसिन आया था सेट बी उसका आंसर। इसके पहले वाली क्लास में हमने किया था सेट ए। सेट ए में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का दो क्वेश्चन हमने करा था, एक शेयर्स का और एक गुडविल का। ये रहा, तो अगर आप सेट ए आपका पेपर था तो आप वहाँ से मिला सकते हैं। अब आइए सेट बी देखते हैं इसका आंसर कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन था, व्हाट यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेयर्स, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। तो ये थ्योरी है, इसको छोड़ दे रहे हैं, हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं कि उसका आंसर कैसे बनेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर टू, टू और थ्री यहाँ पर हम आपको करके दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर टू, संजय मिल्स लिमिटेड इशू 1000 शेयर ऑफ 100 एज पेबल एज ₹20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 20 ऑन सेकेंड कॉल। 20, 30, 30 एंड 20, 100 हो गया। ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स। दीज 100 शेयर्स वेर फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर, गिव जनरल एंट्रीज फॉर द एबव। सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हम समरी यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पहले क्या क्या है, इशूड शेयर्स, ये आंसर है आपका टू। इशूड शेयर है 1000 और इसकी फेस वैल्यू, इसकी एक की प्राइस जो है वो ₹100 है, मार्केट वैल्यू भी ₹100 है। मार्केट वैल्यू, ये सारे इंस्टॉलमेंट को आप जोड़ दीजिए तो ₹100 होगा। कैसे कैसे 100 को मांगा गया है, 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल और 20 ऑन सेकेंड कॉल। तो अब इसको टोटल करिए, देखिए 20, 30, 50 एंड 30, 80 एंड 20, 100, 100 हो गया। इसका मतलब इसको कंपनी ने एट पार पे इशू किया है, जितना प्राइस है फेस वैल्यू उतना ही में इशू कर रहा है, उतना ही में पैसे मांग रहा है, तो उसको बोलते हैं शेयर इशू एट पार। अब आगे की स्टोरी में क्या लिखा हुआ है कि जब फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे गए तो उसमें 60 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। कोई शेयर होल्डर है जिसने, मान लो कोई एक आदमी है जिन्होंने 60 शेयर खरीदे थे, उन्होंने पैसा नहीं दिया। इस 60 शेयर्स के पैसे उन्होंने नहीं दिए फर्स्ट कॉल में। उसके बाद जब सेकेंड कॉल का पैसा मांगा गया तो उस टाइम कंपनी को टोटल 100 शेयर का पैसा नहीं मिला, 100 शेयर का पैसा नहीं मिला। तो यहाँ पर बात को ज़रा समझिए, फर्स्ट कॉल का जब पैसा मांगा गया तो 60 शेयर का पैसा नहीं मिला, सेकेंड कॉल का पैसा जब मांगा गया तो कंपनी को 100 शेयर का पैसा नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आदमी था जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, उसको हम लोग ये मान लेंगे, मान लो इसका नाम राम लिख देते हैं ऐसे सिंपलिसिटी समझने के लिए। तो ये राम जो है, अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो इसको ये भी अज्यूम कर लेंगे कि उसने आगे भी नहीं दिया। तो यहाँ पर जो 100 शेयर है इसमें दो लोग इन्वॉल्व होंगे, एक तो जो पहले आदमी जो जिन्होंने 60 शेयर का पैसा नहीं दिया था वो भी पैसा नहीं दिया होगा, और एक दूसरा आदमी होगा जिन्होंने 40 शेयर खरीदे थे उन्होंने पैसा नहीं दिया। इसका मतलब ये दो डिफॉल्टर है जिन्होंने मिलाकर कंपनी को 100 शेयर का पैसा नहीं दिया, ऐसे समझना है। अगर आप उतना नहीं समझ पा रहे तो छोड़िए, बस आप इतना समझ लीजिए कि कंपनी को 60 शेयर का पैसा नहीं मिला फर्स्ट कॉल में और सेकंड कॉल में 100 शेयर का पैसा नहीं मिला, बस इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो कंपनी ने ये 100 शेयर को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, ये बोल रहा है। तो इस 100 शेयर में पहले वाला जो 60 शेयर का पैसा नहीं दिया ना, वो भी इन्वॉल्व गया, उसको भी समझना है। चलिए इसको बनाते हैं कैसे बनेगा। देखो इसकी दो एंट्री करनी है, इसकी दो एंट्री करनी है, इसकी भी दो एंट्री करनी है और इसकी भी दो एंट्री करनी है और एक फॉरफीचर की एंट्री करना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जिसको आप लाइए और देखिए, अगर आप सेम बनाए होंगे तो आपको पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। पहले एंट्री एप्लीकेशन की एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट होगा 1000 × 20, 20,000। नरेशन भी साथ में लिखते चले, बैंक शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। उसके बाद इसी का दूसरा एंट्री करेंगे, बैंक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री हो गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बैंक शेयर
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट सेम होगी, एप्लीकेशन की एंट्री होगी, अब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसकी अमाउंट होगी 1000 इंटू 30 30000, ये ड्यू करने की एंट्री है, बैंक शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर इसका रिसीव की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें कोई एरियर वगैरह नहीं है, बैंक शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, सेम अमाउंट होगा 30000, अलॉटमेंट का हो गया, एप्लीकेशन का हो गया। अब शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे मांगने की एंट्री, मतलब ड्यू करने की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन में लिखोगे बैंक शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, इसमें एरियर वगैरह नहीं दिखाते हैं, इसमें पूरे अमाउंट लिखेंगे 30 इंटू 1000 30000। अब इसके रिसीव वाले जब एंट्री करेंगे तो वहाँ पर एरियर दिखाएंगे, एक आदमी पैसा नहीं दे रहा उसको, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल कंपनी मांगा था शेयर होल्डर से 30000, उसमें से 60 शेयर का पैसा नहीं मिला है, देखिए यहाँ पर 60 शेयर का पैसा फर्स्ट कॉल में नहीं मिला, तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए 60 इंटू, इसका दाम था 30 1800, इसका मतलब 30000 में अगर कंपनी को 1800 नहीं मिला तो कितना मिला, 28200 रुपया मिला। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये होगा कैपिटल नहीं होगा, नरेशन को बैंक शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब वैसे ही हम फाइनल कॉल का करेंगे एंट्री, ड्यू का और फिर रिसीव का, बैंक शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, कितना ड्यू, तो 1000 शेयर है और प्राइस है 20 रुपीज़ 20000। फिर जब इसका रिसीव वाला एंट्री करेंगे तो वहाँ पर एरियर है 100 शेयर्स का, मतलब 100 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसको दिखाएंगे एरियर में, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, ये एंट्री करेंगे आप। अमाउंट कितना होगा, 20000 कंपनी ने मांगा था, उस 20000 में से कितना नहीं मिला, 100 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो 100 शेयर इंटू दाम है लास्ट का 20 रुपया, मतलब 2000 नहीं मिला, तो कंपनी को अगर 20000 में से 2000 नहीं मिला तो 18000 मिला फाइनल कॉल के। तो ये था बेसिक एंट्री 8। अब कंपनी ने ये 100 शेयर को फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया, क्योंकि हमने पैसे नहीं दिए, तो इसके एंट्री हम लोग करेंगे फॉरफीचर लास्ट में, इसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर लिख सकते हैं आप, या फिर इसका नाम भी लिख सकते हैं, कहाँ का कौन कौन से कॉल में पैसे नहीं मिला ये भी लिख सकते हैं, हम लिख रहे हैं कॉल्स इन एरियर, आप ये भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से कॉल में पैसे नहीं मिले, लाइक फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में नहीं मिला, तो एरियर की जगह में लिख सकते हैं फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। यहाँ देखो 1000 शेयर फॉरफिट हो रहा है और उसकी फेस वैल्यू है 100 से मल्टीप्लाई करो 10000, कॉल्स इन एरियर में टोटल कंपनी को पैसा कितना नहीं मिला उसको लिखो, एंट्री में भी आप चेक कर सकते हो, एक बार 1800 नहीं मिला फर्स्ट कॉल के और एक बार 2000 नहीं मिला, टोटल 1800 और 2000 कितना हो गया 3800, तो इस टोटल 10000 में से कंपनी को 3800 रुपीज़ नहीं दिया इन लोगों ने जिन्होंने डिफॉल्ट किया पेमेंट करने में, तो इसका मतलब इन लोगों ने कंपनी को कितना पेमेंट कर रखा था, बाकी 6200 रुपीज़ बैलेंस, मतलब डेबिट में जितना होता है क्रेडिट में आता है, तो ये डिफरेंस अमाउंट निकाल लो, 6200 रुपीज़ इन लोगों ने पेमेंट कर रखा था अप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, वो फॉरफिट हो गया, जब्त हो गया, वो पैसा वापस नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं शेयर फॉरफिचर। तो ये था आपका शेयर फॉरफिचर की एंट्री, नरेशन में लिख दीजिए, टोटल यहाँ पर 100 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं तो उसी को नरेशन में लिखना है, बीइंग 100 शेयर वेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये हुआ आपका पूरे शेयर का एंट्री, तो अगर शेयर्स का क्वेश्चन अगर आपने ऐसा बनाया है तो पूरे 10 में 10 आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन करने के बाद आप करेंगे थर्ड, थर्ड ये गुडविल का क्वेश्चन आया था, उसको देखते हैं कैसे बनाना है। राम डिसाइडेड टू परचेज द बिजनेस ऑफ श्याम, द प्रॉफिट डिस्क्लोज बाई श्याम वेयर, श्याम का कोई बिजनेस है, उसकी प्रॉफिट दिया हुआ है 2014 15 16 और 17 को, उसमें कुछ नॉर्मल अब नॉर्मल आइटम दिया हुआ है उसको देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ एडजस्टमेंट है उसको समझना है, ये आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन बनाना है। यहाँ लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए फिर उसके बेसिस पे हम गुडविल का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे ईयर प्रॉफिट
और एडजस्टेड प्रॉफिट। ये जो टेबल मैं बना रहा हूँ ये कंपलसरी नहीं है, आपकी चॉइस है, आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है, बस आपको आंसर सही होना चाहिए। बाकी आप किसी भी तरीके से बनाए हो, अगर आपका आंसर सही है यू विल गेट फुल मार्क्स। देखिए 2014, 2015, 2016 एंड 2015 की है 3 लाख 60, 3 लाख 80 और 5 लाख 40 थाउजेंड। अब ये जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये इसमें कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखें। 4 लाख 20 थाउजेंड का प्रॉफिट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अब नॉर्मल गेन ऑफ 60,000। अब नॉर्मल मतलब होता है वैसा प्रॉफिट जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से नहीं हुआ है, या इसको ऐसे समझ सकते हो 4 लाख 20,000 का प्रॉफिट है, उसमें से 60,000 जो है वो नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं हुआ है, तो उसको आपको हटाना है। उसको हटाने के लिए माइनस कर दीजिए तो सही वाला प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख 60,000, ऐसे करना है। फिर दूसरा में 3 लाख 60,000 का जो प्रॉफिट है उसमें क्या है देखते हैं। इंक्लूडिंग अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल मतलब होता है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, जो बिजनेस का लॉस है ही नहीं उसको भी हमने घटा रखा है, तो उसको सही करने के लिए आप 44,000 को एड बैक कीजिए वापस, क्योंकि 44,000 जो बिजनेस का लॉस नहीं है उसको भी आपने दिखा रखा, 360 का प्रॉफिट आया है। तो सही प्रॉफिट क्या होता, यह होता 4 लाख 4,000। 2016 में कोई चेंज नहीं है, वही रहेगा। 2017 में देखो क्या लिखा हुआ है, 5 लाख 40,000 का प्रॉफिट है, उसमें एक्सक्लूडिंग अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस है ना उसको नहीं इंक्लूड किए हैं, तो अच्छा बात है, अब नॉर्मल लॉस को ऐसे भी इंक्लूड नहीं करना होता है। 5 लाख 40,000 का जो प्रॉफिट है उसमें अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल प्रॉफिट है इसको तो इंक्लूड ही नहीं करना होता, तो एक्सक्लूड है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नो चेंज। तो ये सही वाला प्रॉफिट आया, आप सबको कर दो टोटल, सबको टोटल करने पर आ रहे हैं 16,84,000, ये करेक्ट वाला प्रॉफिट आया। अब इसका निकालेंगे एवरेज, एवरेज प्रॉफिट 16,84,000 और डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट, अगर 3 साल का रहता तो 3 से करते हैं, 4,21,000 आएगा। ये आया एवरेज प्रॉफिट 4,21,000। अब इसी को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गुडविल आ जाता है, लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चन में और भी चीज़ें दी हुई है। दो खर्चे मैनेजमेंट को और करने हैं, मतलब कंपनी को अल्टरनेट मैनेजमेंट के लिए 41,000 पर एनम खर्च करने हैं और इंश्योरेंस के भी 40,000 रुपये और खर्च करने हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राम और श्याम का बिजनेस को बाई कर रहा है, खरीद रहा है, और जब ये खरीदेगा इसका बिजनेस को तो फिर इसको और कुछ खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे प्रॉफिट तो हो रहा है उसको, जब बिजनेस को राम चलाएगा तो उसमें नेट मैनेजमेंट के लिए उसको 41,000 रुपीज़ पर एनम खर्च करने पड़ेगा, और इंश्योरेंस भी करवाना चाह रहा है तो उसके भी 40,000 खर्च होंगे। तो इसका मतलब आपका जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 4,21,000 एवरी ईयर, वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि दो खर्चे आपको और करने हैं, तो वो खर्चे कम कर दीजिए, लेस करिए। दो तो खर्चे हैं, एक अल्टरनेट मैनेजमेंट का, उसका मैनेजमेंट को रेमुनरेशन वगैरह देना पड़ेगा, खर्चे करना होगा उसका, तो उसको मैनेजरियल एक्सपेंसेस बोलते हैं। मैनेजरियल एक्सपेंसेस का 41,000 रुपीज़ एवरी ईयर खर्च करने हैं, और एक खर्चे और करने हैं इंश्योरेंस प्रीमियम का। तो जब राम इसके बिजनेस को खरीदेगा तो ये दो खर्चे और करेगा, 41,000 मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस का 40,000 रुपीज़, तो ये दो खर्चे और करेगा तो उसकी प्रॉफिट जो है एवरेज वो कम हो जाएगी। 4,21,000 की प्रॉफिट होता था, और उसमें 41 माइनस करेगा और 40,000 माइनस करेगा, तो उसकी जो एवरेज प्रॉफिट है वो घटकर कितना बच जाएगी, 3,40,000। तो ये एवरी ईयर वो कमाने वाला है फ्यूचर में, इसको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो राम है उसकी एवरेज प्रॉफिट होगी 3,40,000 रुपीज़। अब गुडविल निकालो, देयरफॉर गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 3,40,000, तो इस तरीके से एडजस्टमेंट करके आपको निकालना है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन इन द क्वेश्चन, ये देखिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, खबर 3 ईयर परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 10,20,000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, 10,20,000। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से चैप्टर का करना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।